आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तर प्रदेश से है। हालांकि आज बड़ी खबरें कई हैं लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर मार्च निकालकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निशाना साधा। तस्वीरें आपके सामने। कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट में बढ़ा भ्रष्टाचार, गन्ना मूल्य भुगतान ना होने और किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की है। और इस दौरान आप ये भी देख रहे हैं कि पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लखनऊ से तस्वीरें आपके सामने। हाथ में गन्ना लिए ट्रैक्टर पर सवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बोनट पे रखा है धान। आगे डीजल पेट्रोल की कीमतें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इजाफा होता जा रहा है। और इसी तरीके से जो ट्रैक्टर तेजी के साथ निकल रहा था पुलिस ने वहां पर रोका और फिर कार्यकर्ता को उतरने के लिए कहा। इस दौरान वहां पर नोकझोंक हुई है, झड़प हुई है। अब आप देख लीजिए कि बजट सत्र की शुरुआत किस रूप में हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हंगामे की पूरी तैयारी कर ली है। और इस खबर पर अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आपके पास आते हुए संकेत साफ है कि इतना आसान नहीं होगा, हंगामेदार ही रहेगा बजट। देखिए, निश्चित तौर पर आज से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होना है लेकिन उसके ठीक पहले जो तस्वीर विधानसभा के बाहर देखने को मिली है, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देखिए ट्रैक्टर लेके विधानसभा के बाहर पहुंच गए। सबसे अहम बात यह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो बीते दिनों इस बात का ऐलान कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो कृषि कानून बिल आया है उसको लेकर विरोध होगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर भी सरकार का विरोध किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। तो आज ये सब सदन में जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, तो उस वक्त ये जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं, इन्होंने संकेत साफ दे दिया है कि आने वाले समय में सरकार की घेरबंदी को पूरी तैयारी से विपक्ष आज जुटेगा सदन के भीतर। और दूसरी अहम बात ये भी है कि सरकार की तरफ से भी तमाम सारे विधायकों के साथ कल बैठक की गई थी और उसमें भी उनको सभी लोगों को सदन के भीतर मौजूद रहने के लिए कहा गया है क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई सवाल उठाया जाता है तो उसका कैसे जवाब देना है। तो बेहद हंगामेदार होने के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। आज सदन की कार्यवाही में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, सभी सरकार की घेरेबंदी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ये शुरुआत से पहले ही हंगामा, ये कहां तक ठीक है? शुरुआत तो हो जाने दी जाती, उसके बाद भी ये सब हो सकता था। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है, सुनिए क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता। आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में कि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या कहते हुए वहां पर जोरदार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अशोक, मेरा सवाल यह है कि ये एक संवैधानिक परंपरा है, उसका तो शुभारंभ हो जाने दिया जाता, उसके बाद भी तो ये सब कुछ हो सकता था। अभी तो बजट सत्र की शुरुआत तक नहीं हुई है। निश्चित तौर पर, लेकिन आपको याद होगा कि जब पिछली बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो उसके पहले भी तमाम सारे विधायकों ने अपने अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के विधायक जो थे वो पिछले सत्र के दौरान जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है उसके नीचे धरने पर बैठ गए थे। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक जो थे वो महंगाई और तमाम सारे मुद्दों को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये तकरीबन हर बार सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले देखने को मिलता है। हालांकि इतना जरूर है कि ये जो बजट सत्र होगा वो योगी सरकार का अंतिम बजट माना जा रहा है क्योंकि अगले साल बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास उत्तर।